स्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूज्यमूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव धर्मं मम देव देव राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे का दास जन्म जन्म ओई दीजियो वृंदावने कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को दाल दाल और पात पे राधे राधे हो वृंदावन सो वन नहीं कोई नंद गाम सो गाम राधा सी गोरी नहीं कृष्ण नाम सुनाम अधरम तदुरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम 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 गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम भसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम ब्रह्मतिम मधुरम मधु राधिपति रखिलम मधुरम वेणु मधुरा मधुरा रेणु मधुरा पाणी मधुरा पधु मधुरा नित्यं मधुरं संखिं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं संतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं कि कर्ण मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा
यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलम मधुरम कलिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम कि गोपी 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 मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मेरी माता बहन भैयाओ मेरे पिता तलो बुजुर्ग कंधा से कंधा मिलाने वाले मेरे भाई सीता अनसुईया जैसी मेरी माताएं जन्म जन्मांतर के पुनोदय होते हैं जो भागवत रूपी कलवृक्ष के नीचे बैठने का अवसर मिलता है करुणालय वरुणालय मेरी श्याम सुंदर की इस पंचम वेद की आज प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ करते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी हो सभी भक्तगण अपने स्थान पकड़े हो जाइए और परीक्षा जी महाराज आरती की थाली के लिए आ जाइए। चप्पल तत् भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि बोल अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती Thank you.
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मकसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला प्रभु की महिमा की आरती उठाइए दोनों हाथ सर से ऊंचे और कहना क्या है पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती अरे पापियों को पाप कृष्णा बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की तो हम अकेले करेंगे आप नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है संग कीर्तन चप्पलों को इसके अंदर कर लो चेयर के नीचे वहां नहीं ये कैमरा मांगी तो बुरी लगेंगी दुनिया देखेगी तो कि चप्पल चोर ज्यादा आते हैं आजकल है ना एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए जो जो चप्पल चोर है बताइए सभी बैठे बोली गोविंद भगवान की आइए चलते हैं हमारो मन राधे श्री राधे 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 हमारो मन राधे श्री राधे 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 हमारो मन राधे श्री राधे राधे हमारो मन राधे श्री राधे 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 हमारो मन राधे श्री राधे राधे ऐसे लग रहा है कि खराब टम्बू में ढक्का लगा रहे ऐसे नहीं बात बनेगी जोर से बोलना है हमारो हमारो मन राधे क्या बात कहते हैं कि जहां होती है एकता वहां आ जाते हैं देवी और होती है ना एकता जब एकता बन गई तो सिंहासन लग गया तो ठाकुर जी को आना पड़ा उठाइए दोनों हाथ एक श्याम प्यारे के लिए और एक राधा रानी के लिए कहना क्या है हमारो हमारो
हमारो मने राधे श्री राधे 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 हमारो मने राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे हमारो 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 मन राधे श्री राधे 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 हमारो मन राधे श्री राधे 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 हरि बोल वृंदावन में आवाज ना आई कुछ करके खा लो जरा हाथ उठा लो भैया बोली और बहना बोली मिलकर बोली पुरुष बोली क्या बोलना है हमारो तुम्हारो हमारो तुम्हारा मन राधे श्री राधे 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 हमारा मन राधे श्री राधे 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 हरि बोल कुंजकलिन में कुंजकलिन में राधे राधा आवाज न आई राधे राधे चीर घाट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोकुल में भी राधे राधे कुंजकलिन में राधे राधे केसी घाट पे राधे राधे निधि वन में राधे राधे आवाज न आई राधे राधे आवाज न आई राधे राधे आवाज न आई राधे राधे जोर लगा के राधे राधे पीछे वालों राधे राधे आगे वालों राधे राधे जोर लगा लो राधे राधे हमारो हमारो हमारा मन राधे श्री राधे 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 हमारो मन राधे श्री राधे 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 परम धन 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 राधे श्री राधे 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 भागवत महाप्राण की जय हो। आइए कि यहाँ सब यहाँ कुशल सब भांति सुहाई वहाँ कुशल राखें रघुराई यहाँ पर कुशल सब भांत से और वहाँ जिस काम की हमें चिंता है जिसके लिए हम सोच रहे वहाँ गोविंद सब सही रखेगा। आइए भागवत पर चलते हैं। आज प्रथम दिवस है जब हम कहीं जाते हैं तो हमें पहले साधन की जरूरत पड़ती है और साधन में जब बैठ जाते हैं तो मंजिल पर पहुँच जाते हैं और साधन नहीं मिलता है तो मंजिल नहीं मिलती है। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण श्री माने हैं लक्ष्मी मद माने अहंकार। भगवान कहता है मेरा गोविंद कहता है ना ही तो मुझे केला चाहिए ना मुझे सेब चाहिए ना अंगूर चाहिए ना मुझे आम चाहिए ना पेड़ा चाहिए मुझे खीर मोहन कुछ नहीं चाहिए मुझे पाना है ना तो एक ही चीज पानी है मुझे एक ही चीज की जरूरत है
वो क्या है? भाव। क्या चाहिए? भाव। कि भाव का भूं काहूं में भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे भव से वेड़ा पार है। जिस भाव में भावना नहीं है वो भाव बेकार है। भागवत में श्री मद पैसे से भगवान को खरीदा नहीं जाता है, पैसे से परमात्मा को खरीदा नहीं जा सकता। यदि पैसे से खरीदा जाता तो 2 साल खाली नहीं जाता है। पैसे से संगीत वालों को ला सकते हैं, साउंड वाले को रात रात में बुला सकते हैं, पैसे से रात रात में महाराज जी को बुला सकते हैं, टेंट वाले को बुलवा सकते हैं, मगर भगवान को नहीं बुला सकते। क्यों जी? कार्तिक जी, लग रहा था कैसा भाव बनेगा? भाव बनाना है, भव सागर से जाना है। दुनिया में कितना भी कमाले मन चाहे धन दौलत हीरे और मोती, कमाले मन चाहे धन दौलत हीरे और मोती, एक बात सोच लेना बंदे, जाते वक्त कफन में जेब नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। इस दुनिया में आया है तो कुछ ऐसा कर जा जो तुझे लोग याद करें, तेरे लिए रोमे। ऐसा मत करना कहीं अरे बड़ा अच्छा रहा, लूट कट गई, ऐसा नहीं। श्री मद भागवत महापुराण, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। किसी को तो अहंकार होता है कि मेरे पास में पैसे की कमी नहीं है, किसी को अहंकार होता है कि मेरे पास में 4-4 बेटा हैं, किसी को अहंकार होता है कि मेरे पास में गाड़ी घोड़ा बंगला है, किसी को अहंकार है कि मेरे बराबर तो कोई ज्ञानी नहीं है, किसी को अहंकार होता है कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। कभी किसी बात का घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। और मद, मद, मद माने शहद भी है और मद माने शराब भी है, ध्यान से सुनना। मद माने शहद भी है, मद माने शराब भी है और मद माने अहंकार भी है। शब्द आता है भागवत, कहते हैं कि भागवत में 4 अक्षर है, नहीं 4 नहीं है, 5 है। यदि भागवत में 4 अक्षर होती तो बनती भागवत। भगवत शब्द क्या है? भा, आ का डंडा लगा हुआ है। वैसे भूमि ऐसे अग्नि, जैसे गगन वैसे वायु जैसे जल, और हमारा तुम्हारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या लिखा है कि छठी जल पावक गगन समीरा, तत्व मिले बनाओ शरीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय हरिव, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सभी को बोलना है, क्योंकि जहां पर कथा होती है भगवान की, मां सबसे पहले बुलाया जाता है हनुमान जी को, और कहना क्या है? हमारी 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 राम जी से राम राम, कैया जी हनुमान हमारी, राम जी से राम राम, कैया जी हनुमान, कैया जी हनुमान, कैया जी हनुमान, कैया जी हनुमान,
कहिया जी हनुमान हमारी 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 राम जी से राम राम कहिया जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहिया जी हनुमान। सोनू थोड़ा ढोलक का बेस कम करो, बहुत हो रहा है, ज्यादा है। छठ जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बनो शरीरा। ये शरीर जो हमारा अधम शरीर है ना, अधम, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। और मैं तो तलाशता हूं इस मौके को, मैं तो तलाशता हूं इस मौके को कि जिंदगी मेरे श्याम के काम आ जाए। वैसे बनता है भाव, क्या बनता है भाव, भाव के बाद में शब्द बनता है गय। कैसे गंगा, गैसे गऊ, गैसे गुरु, गैसे गगन, गैसे ज्ञान, एक शब्द से कितना मिल रहा है। तो जी, एक ही दुकान पे जाकर के हमें सारा सामान मिल जाए तो जगह जगह भटकना जरूरी है क्या है? भाषे भाव बना लिया, गैसे ज्ञान बन गया, सभी को मालूम पड़ गई कि नरसिंह मार्ग पे भागवत कथा हो रही है, सभी को पता है। यूपी से चल के आ गए, दिल्ली से लोग चल करके आ गए तुम्हारे, और आ रहे हैं और आएंगे। ज्ञान पैदा हो गया, उसके बाद में गंगा बही, किसकी, ज्ञान की। जब ज्ञान की गंगा बह रही है तो गुरु के बिना तो कुछ नहीं है। कितना सुंदर मौका मिला है पता है, 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास यानी कि व्यास पूजा, मुड़िया पूजन यानी कि गुरु की पूजा जो होती है साल में एक बार, और उस मौके पर ये आपको भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। आषाढ़ के महीना में लोग लाखों रुपए लेके घूमते ना, फिर भी नहीं होती है, मौका है, क्योंकि हमने तुमने पहले कोई अच्छे कर्म किया है और उस कर्म के करने से हमको यहां फल मिल रहा है। आई गए के बाद में शब्द आता है बैराग। जितने भी यहां बैठे सबको ज्ञान है कि सज धज की जिस दिन मौत की, सज धज की जिस दिन मौत की, और सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सीताराम भजोरे सीताराम भजोरे राधेश्याम भजोरे सीताराम भजोरे। सबको पता है, छोटे से बच्चे से लेकर के वृद्ध, जिसकी नार हालती है ना डग 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 डग, उसको भी पता है कि सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की, और सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फिर क्या कहेंगे लोग, क्या कहती मरने के बाद में, कितना उल्टा रिवाज है, कितनी उल्टी समाज की बात है। जब सुनने लायक है तो सुनाते नहीं है, बोलते नहीं है, और मर जाता है तो कहते राम नाम, कहती ना तुम्हारे यहां कहती जयपुर में, अच्छा ऐसा है, मरा जा रहा है। जब सुन नहीं रहा है तो तू क्यों कह रहा है कि राम नाम सत्य है, वो बोलेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं है? अरे जीते जी सेवा करो, जीते जी भाव को, किसी के दिल को मत दुखाओ, यही तो भागवत है।
ज्ञान है, न सोना न चांदी कुछ भी काम नहीं आएगा। जिस मकान को बनाने में इंसान का जीवन निकल जाता, जीवन, और जब रहने का समय आता है ना तो 10 मिनट उसे रहने नहीं देते हैं, निकालो निकालो, ऐसा ना हो कहीं बुढ़ाऊ भूत बन जाए, है ना, बुढ़ा है मिट्टी। फिर कोई नहीं कहता है कि ये कार्तिक जी हैं, कोई नहीं कहता है कि ये गिरिराज जी हैं, है? निकालो, मिट्टी है मिट्टी, कही है, फिर भी कहते हैं ये मेरा है ना, देखा ना, स्ट्रांग बॉडी, मेरा ये शरीर तंदुरुस्त है, ये मैं हूं, मैं नहीं। ज्ञान सबको है मगर ज्ञान कब मिलता है जानती, पुस्तक, पुस्तक पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। पुस्तक पढ़ने का पुस माने है अंग्रेजी में आगे खिसकाना, धक्का मारना। पुस्तक आपको इतना कर देगी, आगे पहुंचा देगी, मगर उस तक तो वही पहुंचाएगा गिरिराज जी जो उस तक पहुंचा होगा। और ये गुरु के बिना कुछ नहीं है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जिसके जीवन में गुरु है, गुरु मिल गया तो वो ज्ञान जरूर देगा, और ऐसा ज्ञान देगा ना जाने कैसा देगा, भव सागर से पार हो जाएगा। ये गुरु की महिमा है। सब सोए हुए थे, किसी से कथा का किसी को चिंता नहीं थी, हमको आना पड़ा, सबको बुलाया, भैया ज्ञान दे दिया, कथा होगी, करनी है। अब ज्ञान मिला तो सब जग गए ना, अंधेरा था वो प्रकाश में बदल गया। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन अंधेरा है, जी गुरु के बिना कुछ नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में गुरु की मान्यता, गुरु को सबसे श्रेष्ठ माना गया। क्यों? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा। गुरु मेरे शरीर का नाम नहीं है। यदि आप मेरे शरीर का नाम, मेरे शरीर का पहचान है तो वो जानते क्या है, इस शरीर की पहचान है पवन भारद्वाज। जानते सुनो, गुरुर ब्रह्मा परमात्मा है। हमने आपके सबके अंदर परमात्मा को देखा। जैसे एक इंसान एक हाथी पे बैठ के आ रहा था पर हाथी बिछड़ गया, तो ऊपर से कह रहा है भैया अलग हट जाइए, अरे भैया आओ, हाथी बिछड़ गया है, हाथी अपने होश में नहीं है, किसी को मार देगा। उसी समय सामने से एक शराबी हाथ में बोतल लेकर के पीता हुआ झूमता हुआ आ रहा है। सब लोग बोले अरे भैया आगे मत जाइए ना, हाथी बिछड़ गया है, मार देगा। तो सरापी ने क्या कहा पता है? तुम नहीं जानते, सब में ब्रह्म है, हाथी के अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है। जब ब्रह्म मेरे अंदर है, ब्रह्म हाथी के अंदर है, तो ब्रह्म ब्रह्म को मारेगा क्या? तीसरा आदमी बोला पागल हो गया है, वो जो हाथी के ऊपर बैठा है वो भी तो ब्रह्म है। क्यों जी? भाई हाथी के ऊपर बैठा है वो भी तो ब्रह्म है ना, वो कह रहा है बच जाओ बचो बचो, हाथी पागल हो चुका है, हैं? तो ब्रह्म के लिए किसकी जरूरत है? ज्ञान की। और जब तक ज्ञान कौन देगा? गुरु। आई सबके पास में है, इंडिया में भी 2 बार आई है, इंसान के पास में 2 आई है। आई माने, आई मीन्स आंख, और आई माने मैं। सबके पास में 2-2 आंखें हैं, हैं कि नहीं? और इंडिया लिखोगे तो इंडिया में कई बार आई? 2 बार। तो देख लो, इन दोनों आंखों से हमें परमात्मा को देखना है। आंखें तो सबके पास में हैं मगर नजरिया अलग अलग है। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने जो लिखा है ना, कोई गलत नहीं लिखा कि जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है ना वैसे ही आपको सामने दिखेगा। अब हम यहां बैठे हैं, हमको तो भगवान दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? किस किस को दिखाई दे रहा है भगवान? यार हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर करके बताएंगे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे,
कहते हैं कि जो ज्यादा ऊंचे हाथ करता है ना ऊपर, वो जल्दी ऊपर जाता है। कहाँ? तरक्की की ओर। ऐसे मत घबराइए। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि यदि हमारा भावना है, हमारी आंखों के सामने हमने अपने चश्मा लाल लगा लिया है ना, तो हमें काला नहीं दिखाई देगा, लाल ही दिखाई देगा। और आज हमारी तुम्हारी आंखों के सामने गोविंद जो बैठा है ना मंदिर में, जो बैठा है कोई और ना दूजा है मंदिर में। मंदिर कौन सा है? मन ही एक मंदिर है, मन ही एक मंदिर है। ज्ञान मिल गया। भा गे, गे के बाद में आता वैराग। वैराग का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? क्यों जी नहीं पता? सबको मालूम है ये बेटा मेरा है, कहते ना लोग, ये बेटा मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। है कुछ पागल है? ऐसे मत बोलो। ये कहना है कि बेटा मेरे लिए है, ये मकान मेरे लिए है, मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरे लिए है, मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि छोड़ के जाना है, लेके नहीं जाना है। ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा मकान है, तो फिर इंसान को शमशान में क्यों लेके जाते हैं? उस जगह का नाम जहां पर इंसान को जलाते हैं, उस जगह का नाम शमशान क्यों रखा, ये बताइए मुझे। क्यों पता है ना? शमशान, सब समान है वहां, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे भिखारी हो, चाहे पैसे वाला क्यों ना हो, वहां कहते शमशान। और शमशान का वासी कौन है? देवों की देव महादेव। उन्हें तो चिंता ही नहीं है, इतना सीधा देवता महाराज मिल नहीं सकता है। मन में आ तो दूध चढ़ा दो, मन में ना आए तो पानी चढ़ा दो, मन में आ गई तुम्हारे भांग चढ़ा दो, मन में आ जाए तो धतूरा चढ़ा दो, मन में आए तो भांग का पत्ता लाके चढ़ा दो, तो भी खुश है ना। इनको कहते हैं भोले भाले। भोले तो भक्तों के लिए हैं और भाले दुश्मन के लिए हैं। सीखो, जिस चीज के लिए देवता तरसते हैं आज वही कहते हैं हमें एक बार मानव योनि मिल जाए, मनुष्य योनि। इस मनुष्य योनि में जाने के बाद में हम भी ऐसे कथा सुनेंगे, हमें भागवत मिलेगी सुनने के लिए, भक्तों के दर्शन होंगे, है ना। भगवान भी देखता है, नहीं देखता है? जैसे हमारे तुम्हारे मन में एक लालचा आशाएं रहती है, कौन सी पता है ना, कि मेरे पास पैसा हो तो मैं एक बढ़िया सा मकान बना लूं, मेरे पास में पैसा हो तो एक बढ़िया सी गाड़ी ले लूं, होता है कि नहीं? क्यों जी परीक्षा जी, आपका नाम आज से कार्तिक जी नहीं है, परीक्षित है, पर धन इच्छित। यानी अब तक तुमने दुकान में व्यापार में परीक्षण किया है। परीक्षित का मतलब होता है परीक्षण करना, परीक्षण माने खोज करना। अब तुम्हें 7 दिन परीक्षण करना है भगवान का, और जब भगवान की परीक्षण करोगे तो शायद कि जरूर आएगा है? आज मेरे घर तमाशा होगा, तुझे आना होगा। सच्चे दिल से बुलाओगे तो जरूर आएगा, आनंद जरूर आएगा है? एक बार प्यार से बोलो ना राधे, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा गुस्सा में बोल दो एक बार राधे, क्या बात है, बात बन जाएगी लग रहा है। क्योंकि कहते हैं उठेगी नजर धीरे धीरे और भक्ति असर करेगी धीरे धीरे। ये भगवान की भक्ति है। जैसे दवाई गोली खाते हैं ना दर्द में, गोली पानी से सटकी अंदर चली गई, और अंदर जाकर के धीरे 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 असर करती है, दर्द बंद हो जाता है, होता है कि नहीं है? आइए श्रीमद् भागवत। भासे भाव बन गया, गैसे ज्ञान बन गया, और वैसे वैराग्य बन गया। चौथा शब्द बहुत खतरनाक है, समझ रहे हैं ना? ते, ते शब्द का मतलब त्याग। किसको त्यागना है?
घर को, मित्र बाबा मत बनना कि परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माताजी को छोड़ दिया। नहीं, त्यागना है तो क्या त्यागना है? समझ में आ रही है मेरी भाषा? समझ में आ रही है सबके? आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं? आवाज साफ है पीछे तक? क्यों जी कुर्सी वा रहे हो, पीछे आवाज आ रही है साफ? ध्यान से सुनना, त्यागना है। क्या त्यागेंगे? अपने बेटे को नहीं, अपनी पत्नी को नहीं। सिर्फ त्यागना है तो आपको बुरी संगत को त्यागना है, अपने दिमाग से बुरे विचारों को त्यागना है, गंदी सोच को त्यागना है। यदि हम अपनी थिंकिंग, गंदी जो थिंकिंग है उसे मिटा देंगे और अच्छी थिंकिंग, गुड थिंकिंग को अपने पास रखेंगे तो कभी किसी में लड़ाई दंगा नहीं होगा। आपको हमको सोच बदलनी है, बुरी संगत को त्यागना है। और जब तक बुरी संगत को नहीं त्यागोगे ना, कितना भी कमा लेना, पैसा कमाने से कभी बड़ा आदमी नहीं बनता है। बनता है क्या? बोलिए। पैसा हो जाने से क्या बड़ा आदमी बनेगा? नहीं बन सकता है। कब बनेगा बड़ा आदमी? जब बड़ा कर्म करेंगे। पैसा सब कुछ नहीं है, माना कि पैसा है मगर पैसा है सब कुछ नहीं है। बिना पैसा के भी कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या पैसा से त्याग कर दीजिए, नहीं। कि पैसा बिना, पैसा के बिना बहन भाई कोई किसी की बात नहीं पूछता है कि पैसा ही को मित्र प्यारा, पैसा ही की बहन प्यारी, पैसा ही की जीजा सारी, पैसा ही को भाई प्यारा। पैसा के बिना कुछ नहीं है। ये संगीत वाले जो बैठे ना अब मलुक मलुक लग रहे हैं सुंदर, ये भी बिना पैसा के नहीं है। ये साउंड वाला जो आया ये बिना पैसा के नहीं आया है। जितने भी बैठे सब बिना पैसा के कोई नहीं है क्या? बिना पैसा के आप लोग बैठे हैं क्यों? क्योंकि आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं, मगर राम का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब तुमको त्याग करना है, अपने परिवार का, घर का, समय का त्याग करोगे जब ही तो कुछ मिलेगा। क्यों जी? यदि आप त्याग नहीं करोगे, अपने घर को बंद करके, लॉक बंद करके यहां नहीं आओगे तो कथा मिल जाएगी क्या? गिरिराज जी बोलिए ना, नहीं मिलेगी। अपना घर छोड़कर के हम यहां जयपुर में नहीं आते तो क्या कथा कर रहे होते? ये संगीत वाले सबने त्याग किया है, 400-400 किलोमीटर से दूरी से तुम्हारी इस नगरी में आए हैं। किस लिए? राम का नाम लेने के लिए। हमें सोचना चाहिए, जब ये लोग इतनी दूर से आकर के राम का नाम ले रहे हैं और हमको भी लिब्बा रहे हैं तो इनका साथ देना चाहिए कि नहीं है? आइए, आज क्या त्यागना है और बताया क्या कि अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अरे अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया बंदे बीती उमरिया, बीती उमरिया बंदे बीती उमरिया। अब तो हाँ, अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया।
भैया अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। हरि बोल। त्यागपुरों की संगत भाई, त्यागपुरों की संगत भाई, त्यागपुरों की संगत भाई, त्यागपुरों की संगत भाई, कर सत्संग और जग में भलाई, कर सत्संग और जग में भलाई। यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, धर्म की ए धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। जय हो। और बोलन बोल किसी को तीखे, 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 फिर काहे को दुश्मन दीखे, फिर काहे को दुश्मन दीखे। ध्यान देना, किसी से बुरा मत बोलो। यदि कोई इंसान बुरा काम कर रहा है उसे आप मत टोको, तो आप बढ़िया हैं। और तुमने यदि बुरे काम से लिए रोक दिया तो तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। बोल न बोले किसी को तीखे, बोल न बोले किसी को तीखे, फिर काहे को दुश्मन दीखे, फिर काहे को दुश्मन दीखे। ध्यान देना, ढंग लग जाए कमाई रे तेरी बीती उमरिया अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। जय हो। लिखा है लूट लूट तेने भरे री खजाने, लूट लूट तेने भरे ही खजाने, भरे रे खजाने, भरे रे खजाने, भरे ही खजाने तेने भरे ही खजाने, लूट लूट तेने भरे खजाने, लूट लूट तेने भरे ही खजाने, जिनको मूरख अपना जाने, जिनको मूरख अपना जाने। कितनी बढ़िया बात है, भगवान से कोई नहीं डरता है। परीक्षा जी महाराज, कार्तिक जी, भगवान से कोई नहीं डरता है। और एक कैमरा लगा दो, एक कैमरा लगा दो, उससे आदमी को डर हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है।
कैमरा जिस इंसान ने बनाया है उस बने हुए इंसान के कैमरा से डर लग रहा है, और जिसने कैमरा वाले को बनाया है उससे डर नहीं लग रहा है, है? लूट लूट देने लूट लूट देने भरे री खजाने, लूट लूट देने भरे हैं खजाने, जिनको मूरख अपना जाने, जिनको मूरख अपना जाने। देखा ना, लोगों ने नोट भर लिए खातों में, पैसा भर लिया, और मोदी जी बोले चिंता मत करो, 500 को और 1000 का नोट पुराना बंद कर दिया। कितना नोट निकल के आया है? लूट लूट तेने भरे री खजाने, लूट लूट तेने भरे ही खजाने, जिनको मूरख अपना जाने, जिनको मूरख अपना जाने। ढंग लगे जाए कमाई रे, इंसान सोचता है मैं अपने बच्चों के लिए इतना कर दूं कि बैठे खामे, और जब इंसान जो मरता है ना कमा कमा के, बच्चे सोचते हैं कि इसके नाम से तेरे ब्राह्मण नहीं करें, तेरे लोहा निकालें और गाय को दे दें, होता है कि नहीं? फिर क्यों भर रहे हो? अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय निकालो जो प्रेम करो घन श्याम से। ढंग लगे जाए कमाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, उमरिया तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। त्यागना क्या है? बुरी संगत को, बुरे विचारों को, है? यदि हम बुरी संगत बुरे विचारों को त्याग देंगे ना, हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। मत किसी की आलोचना करो, मत किसी के साथ की बुराई करो। भागवत का आपको अर्थ समझ में आ गया ना? श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भा माने भाव, गे माने ज्ञान, गे माने गगन, वे माने बैराग और ते माने त्याग। यानी कि चार अक्षरों से कितने ही शब्द बन जाएंगे कि हम 7 दिन बकेंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। हम बकने वाले कम पड़ जाएंगे, शब्द कम नहीं है। इतना शब्दकोश बनेगा, इतना शब्दकोश बन जाएगा कि हम सुन सुन करके भी पागल हो जाएंगे, फिर भी शब्द कम नहीं पड़ेगा। क्या समझाना है? एक बार सोनकादिक ऋषि जी के पास 88,000 ऋषि मुनि एक अमृत का कलश लेकर के गई। किसका? अमृत। देखा ना, जब आज कलश यात्रा हो रही थी कितने कलश थे। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं, है ना? इसमें लिखा है, सुधान कुंभो ग्रहे त्वानम देवयत्रम समागनम। आज सभी देवता लोग इकट्ठे होकर के ऋषि मुनि एक अमृत का कलश लेकर के गए। ध्यान से सुनना, जब अमृत का कलश लेकर के वहां से गए महाराज, तो कहा, सुनो जी गुरुदेव, हाँ, आप हमारा ये अमृत ले लीजिए,
और हमको श्रीमद भागवत कथा का रसापान करा दीजिए। तो पता है गुरुदेव ने क्या कहा? सुधा न सहस्त्रो न अमृत कलसे न पानम न भागवत। ऐसी ऐसी कलश आपने जो कलश रखा है ना, ऐसे कलश 1000 सहस्त्र माने 1000 यदि आप 1000 कलश लेकर के आएंगे ना अमृत के, तो इस भागवत की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भागवत भगवान का साक्षात रूप है, व्यंग मेरी गोविंद का रूप है। और गोविंद को पाना, गोविंद को पाने के लिए पता क्या करना पड़ता है? नरसी बनना पड़ेगा। नरसी जब भात भरने के लिए आएगा, भगवान को पाने के लिए, मेरे गोविंद को पाने के लिए आपको मीरा बनना पड़ेगा, विष का प्याला भी पीना पड़ेगा जब दुनिया में नाम होता है। ऐसे नहीं हो जाएगा। भगवान को, भगवान श्याम मेरा गोविंद हर किसी की पुकार सुनता है। ध्यान देना, आज उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कथा का रसा पान करना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? छोटा। यदि आप किसी के पास अकड़ के जाओगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। और अकड़ता कौन है? कौन जी परीक्षा जी, अकड़ता कौन है? जो मुर्दा होता है, जिसमें जान नहीं होती वही तो अकड़ता है ना। यदि आप ऊंचाई को छूना चाहेंगे, ऊंचाई को छूना चाहें, पहाड़ पर चढ़ना चाहें, तो आपको झुकना पड़ेगा, अकड़ना पड़ेगा। कौन जी? टिंकू भैया बताइए ना भाई, आप पहाड़ पर चढ़ेंगे, ऊंचाई को छुएंगे, तो आपको झुकना पड़ेगा या अकड़ना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा ना। क्यों? एक पहाड़ी पे चढ़ने के लिए जब आपको झुकना पड़ेगा तो समाज में रह करके सामने वाले से कुछ पाना होगा तो कितना झुकना पड़ेगा। हम तुम कुछ नहीं है, मिथिला नगरी में अयोध्या नगरी से जब बारात गई, मिथिला नगरी जनकपुरी यानी नेपाल में, तो वहां की सभी माताओं ने भगवान राम से भी कहा, क्यों? जब तक तुम झुकोगे नहीं तब तक तुम्हें वर पत्नी नहीं मिलेगी। वर तो बन गए आप, वरनी को पाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा। और भगवान राम को झुकना पड़ा, है ना, झुकना पड़ा। और ये नहीं झुकते तो सीता जी माला नहीं डालती, और माला नहीं पड़ती तो विवाह नहीं होता। तो देख लो, तुम तो माटी के पुतले होकर के अकड़ रहे हो तो क्या मिलेगा? ये दरबार है 7 डे के लिए, 7 दिन के लिए दरबार है। इस दरबार में आप सच्चे दिल से जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा, और आप नहीं मांगोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। भाव बनाना पड़ेगा कि तू जो बाढ़े एक डग मैं बाढ़ूंगो 60, तू हटे आधी डग मैं लोहे की लाठ। यदि तुम एक बार मेरी तरफ आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 100 बार आऊंगा, हैं? और जब तुम मुझे याद नहीं करोगे तो मैं ही तुम्हें याद क्यों करूं? क्यों जी? यही तो कारण है। मेरा गोविंद कहता है तू एक बार आके तो देख। आज सोन का दिग्रसी मुनि सभी कहने, गुरुदेव हमें भागवत कथा का रसापान करा दीजिए, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने चौपाई में बड़ा अच्छा लिखा है। अरे सठ सुधरे सते संगते पाई, हारमोनियम Thank you.
सठ सुधरे सत संगति पाई पारस परस कुदाते सुहाई सठ सुधरे सती संगति पाई रामा संगति पाई पारस परस कुदाति सुहाई सठ माने सठ मूरख पागल नहीं मूरख जो इंसान मूर्ख बन जाता है माया में फंस जाता है गॉड को परमात्मा को भूल जाता है ना उसको कहते हैं मूर्ख पागल है कहते हैं मूर्ख हो गया है अरे उसे याद कर तेरा काम बन जाएगा है पर नहीं 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 नहीं, नहीं। उसे कैसे करेंगे सठ माने मूर्ख यदि मूर्ख आदमी को संगत अच्छी मिल जाए तो वो सुधर जाता है क्यों जी आज हमारे एक भक्त ने हमसे ऐसे कहा कि मैं गोविंद जी में बड़ी बड़ी कथाएं हुई हैं मैं आज तक नहीं गया मगर मुझे सेवन डे आपकी कथा सुननी है बड़ी तबीयत खुश हुई है ना अच्छा मन लग रहा है कि नहीं सही बना ये जोर जबर नहीं है जबरदस्ती नहीं है आपका मन लग रहा है कि नहीं जब कलश यात्रा हुई तो आनंद आया हाँ देख लो कह रहे मैंने आज तक कथा नहीं सुनी मैं सात दिन कथा सुनूंगा और सुनो व्रत में रह के आज एकादशी भी है महाराज और कह दिया कि सात दिन में व्रत में रहूंगा एक टाइम भोजन करूंगा कथा सुननी है कितना सुंदर भाव है यही तो गोविंद की कृपा है ना एक बार जोर से बोलो राधे हाथ उठ रहे हैं आधे जोर से उठाओगे तभी बात बनेगी देखो सुनो जिसकी टावर बढ़िया होती है ना और ऊंची टावर लगाते हैं तो उसी में चित्र बढ़िया आते कि नहीं दोनों हाथ ऊपर कर कैसे कहे गोविंद हमारे जो हस्तरेखाएं गड़बड़ कर रही हैं इसे बदल दो और हमारे परिवार में हमारे घर में हमारी बस्ती में कोई संकट नहीं आना चाहिए ये जो दो साल रुकावट हुई है ना अब नहीं होनी चाहिए इसे एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे क्या बात है बोली गोविंद भगवान की छोटे बन जाओ छोटे से बन गए कौन 88,000 ऋषि मुनि हमको अमृत मत लीजिए मगर कथा का रसा पान करा दीजिए क्यों इंसान रात में भाग रहा है दिन में भाग रहा है सुबह को भाग रहा है कभी भी फोन कर लो फुर्सत नहीं है एक संडे का दिन आता है छुट्टी का आज संडो ही दिखे है ना संडे का दिन आता है महाराज इतवार का और पड़ोस का बुड्ढा मर जाए तो पता क्या कहते लोग सुना है मैंने कानों से अरे यार मुझे तो वहां जाना था ये बुढ़ा मर गए गड़बड़ हो गई बताइए मैंने सुना है कानों से झूठ नहीं बोल रहा भाई इस मंच पे बैठ के बाकी में बाप रे बाप बताइए तेरे मरने वाले के साथ जाने के लिए ऐसे कह रहा है आज इसे मरना था बताइए क्या इतना ही नहीं जब मुर्दे को मरघट में लेके जाते ना और वहां जब लोग चिता बिता बना करके लगा देते हैं तो कोई ये नहीं पूछता है ये बुड्ढा मरा कैसे क्या है नहीं नहीं हाँ भैया मैं आ रहा हूँ अभी एक घंटे में आ रहा हूँ टेंशन मत उसको उसे दे देना बताइए मरघट में भी व्यापार कर जबकि माया भगवान की माया भी मरघट से हार चुकी है मगर इंसान की माया मरघट से नहीं हार रही है मरघट में भी व्यापार करते हैं है? क्या है ये जीवन बदलना है हमको ऐसे नहीं बदला जाएगा कुछ हमको बदलना पड़ेगा कुछ तुमको बदलना पड़ेगा सात दिन का साल में समय निकालना पड़ेगा कार्तिक जी ये जब ही जगेंगे उन्हें भूल जाएंगे कि राम नाम के आलसी भोजन के होशियार राम नाम के आलसी राम का नाम सुनने के लिए कोई नहीं आएगा हेलो ध्यान दीजिए परीक्षा जी महाराज भोजन के लिए यानी राम का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है
राम का नाम के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, घर से काम धंधा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी तुम यहाँ कह दो कल से रोजाना सबका भोजन होगा, भंडारी प्रसादी होगी, घर छोड़ देंगे, पक्की बात है। हाँ, हर जगह की बात है, मैंने देखा है। मैं अक्सर ये 331वीं भागवत है, अब इससे पहले 330 कर चुका हूं 11 राज्यों में, मगर महाराज करे क्या, मजबूरी है। अरे जब तक तुम राम का नाम नहीं लोगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन से, जिस घर में से, जिस परिवार में से हमारे यहाँ से राम का नाम छूटा जा रहा है, राम का नाम छूटने से नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है बताइए। अभी कोरोना नाम की बीमारी आई थी, बेटा बाप से नहीं बोला था, माँ बेटा से नहीं बोलती थी, एक दूसरा मुछीका लगा के घर में रहते थे, है ना, ने कुछ कर ले तो हाथ धोते थे, क्यों? यदि हाथ अब भी धोते रहो तो गंदगी तो खत्म हो जाएगी ना। कितन की चादर तो तेरी पुरानी हुई, तन की चादर तो तेरी पुरानी हुई, तन की चादर तो तेरी पुरानी हुई, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, पकड़ के बैठ जा। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, और बताया कि मैं हरिद्वार गया और गंगा में नहाया, गंगा नहाते ये मन में ख्याल आ गया, कौन सा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। और ध्यान देना, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, आरती करते समय ये ख्याल आ गया, क्या ख्याल आया, माता पिता की सेवा तो मैंने ना की, ऐसी घंटी बजाने से क्या फायदा, ऐसी घंटी बजाने से क्या फायदा। बोली गोविंद भगवान, तन की चादर तो तेरी पुरानी हुई, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। मगर ध्यान देना, जब तक आप नया रंग नहीं चढ़ाएंगे ना तब तक आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा कि हम इस चादर की बात,
इसकी बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये चादर है, नहीं, शरीर तन की जो चादर है वो शरीर है। कि तन की खाल सुकड़ जाती है, सुकड़ने के बाद में बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आता है तो लोग देखना भी नहीं चाहते, कहते हैं बुड्ढे बैठ जा, कहते ना। अब ये नए नए बच्चों का काम है, बुड्ढों का काम नहीं है, है ना, है सबका है। क्योंकि एक बार एक कमरे में एक लंगड़ा था और एक अंधा था, जानते सुनना, कमरे के अंदर एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों बैठे थे। अचानक की बात के कमरे में आग लग गई, अंधे को तो कुछ दिखता नहीं है, लंगड़ा भाग नहीं सकता है। अंधे ने लंगड़े ने कहा, भाई अंधे कहां, कमरे में आग लग गई है। अंधा बोला, कहां पर लगी है, क्या कमरे में लगी है। उसने कहा कि मुझे दिख ही नहीं रहा तो आग कहां लगी है। अरे पागल, आग लग चुकी है, तू एक काम कर लेगा क्या कि तू मुझे अपनी टांग दे दे, आंख मेरी ले ले, के बाद में ये मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनि बताई हैं, 20 लाख योनि में ये वृक्ष आते हैं, वृक्ष पेड़ पौधे, 20 लाख योनि में जमीन पे जो कीड़ा रेंगते हैं वो आते हैं, 20 लाख योनि में पशु पक्षी जो आते हैं, कितनी योनि बच गई, 24 लाख। भाई 60 उधर चली गई, 24 बच गई। 24 लाख योनि को भोगने के बाद में, 28 नरकों को भोगने के बाद में ये मनुष्य योनि का मानव जीवन तुमको मिलाएगा। और इस जीवन को कैसे करना है, कैसे बिताना है, हैं? क्यों जी, इस माया में फंस करके बिताना है या भगवान के नाम में। जिस घर में परमात्मा का नाम लिया जाता है ना, जिस घर में गोविंद का नाम लिया जाता है ना, उस घर में कभी किसी बात की प्रॉब्लम आती है क्या। एट ए टाइम में ये कहूंगा, भैया ये टिंकू जी कहां हैं, मुझे ये चीज चाहिए, तो क्या ला सकते हैं, तत्काल में नहीं मिलेगा। तत्काल से पहले समझ के चलना चाहिए, हमें कदम से कदम बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, आदि की आनंद नाम के घाट पर हरिद्वार, कहां हरिद्वार, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे कथा प्रारंभ हो गई। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि कथा को सुन रहे हैं। उन्होंने कथा सुनाई, भैया एक बार देव ऋषि नारद और अपने बीड़ा को बजाते हुए वृंदावन में आए। कहां पर आए, वृंदावन, कौन कौन गया वृंदावन, हाथ ऊपर कीजिए जो वृंदावन गए, नहीं गए, गए आप लोग वृंदावन में, जमुना किनारे पर, जमुना जी के पास में एक स्त्री यानी एक नारी, एक अबला बड़ी सुंदर, उसके पास में ना दो पुरुष लेटे आदमी, एक वोमैन है और दो मैन हैं। नारद जी ने कहा, हे बाले, बाले न चतुरायते न चिंतन तन करहे न कृष्णो न भजति। बाले तुम इतनी चिंता में क्यों हो, क्या परेशानी है। उन्होंने कहा, और तुम कौन हो। उन्होंने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं जानो। बोले हाँ बताइए ना, मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है, भक्ति। और ये दोनों जो मेरे पास में लेट रहे हैं ना, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मेरे दोनों बेटा हैं। कैसे कि कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ और गुजरात में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला। जिस दिन से
मैं गुजरात को छोड़कर के इस वृंदावन में आई हूं, तो मैं तो जवान हो गई और ये मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। भक्ति में वो शक्ति होती है, वो शक्ति होती है भक्ति में, तो कभी जीवन में नहीं सोच सकते हो। भक्ति की भक्ति माने जानते क्या है? भक्ति माने सेवा करना। यदि आप किसी की भी सेवा करेंगे ना, किसी की भी सेवा कर लीजिए, वो तुम्हें कुछ ना कुछ दे के जाएगा। जाता है कि नहीं? आप अपनी दुकान पे जाएंगे, शटर खोलेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, आरती करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, जब जाके उस आसन पे बैठते हैं ना, तो पहले क्या किया आपने? सेवा। क्या किया? और जब उस सेवा करने के बाद में आप आसन पे बैठ जाएंगे तो कुछ कुछ लेके आएंगे ना। कौन जी? अब आप घर से आए, चल करके यहां तक आए, बैठे, डोले, घूमे, कुर्सी पे बैठ गए, आसन लगा लिया, इस आसन पे बैठे ही ना, तो पहले मेहनत की है ना, सेवा करिए ना, सेवा का तो फल मिलता है। मिलता है कि नहीं? यस या नो? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो सेवा करेंगे ना। आज पहला दिन है, कथा का कोई बात नहीं है, बन जाएगी बात, मगर भक्ति का असर करना पड़ेगा आपको। सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोले महाराज, ये दोनों मेरे बेटा हैं, ज्ञान और बैराग, वाह। तो ये वृद्ध क्यों हो गए? जब बेटा माता पिता की बात नहीं मानता है ना, तो माँ बाप कहते जो तेरे मन में उसे कर, कहते ना। इस कथा से क्या मिलता है, ध्यान से सुनना। जब इंसान की मौत दो प्रकार से होती है, कितने प्रकार से? दो। एक मौत होती है जो मर गया और कंधे पे रख करके ले गए। दूसरी मौत होती है इंसान की जो कर्मों से मर जाता है। कर्म से मरने वाले को भगवान भी नहीं जगा सकता, जिंदा नहीं कर सकता। उसे जिंदा करने के लिए कौन चाहिए जानते हैं ना? जैसे मैंने चौपाई बोली थी, सट सुधरे सत संगत पाई। पारस, पारस मणि जानते ना आप लोग? पारस नहीं पता? नाम तो सुना है ना? क्यों जी? पारस मणि का नाम तो सुना है। और उस पारस मणि को यदि आप कुदात माने लोहा, उसको आप लोहे से लगा दो ना, उसे गोल्ड बना देती है। क्या बना देती है? सोना है? इस गोल्ड को यानी कि पारस मणि क्या जानते हैं? संत महात्मा। जिसने संतों की सेवा करी, परीक्षा जी महाराज, उसका नाम हो गया दुनिया में। संत तो होने चाहिए, ये नहीं साधु नहीं, स्वादु आजकल किसे नहीं, संत। पहले महात्मा बनते थे, तपेश्वरी थे, तपस्या करते थे, कर्म नेम धर्म को करते थे, पूजा पाठ को करते थे। आज के महात्मा देख लो। कौन जी? पहले महात्मा पैदल चलते थे, गांव में आते थे भिक्षा मांगने के लिए, पर अब महात्मा नहीं आते। क्यों पता है ना? जब से रावण ने सीता को चुराया है ना, जब से बाबाओं पर शंका हो गई है। क्योंकि रावण ब्राह्मण था, असली रूप में जाता तो क्या परेशानी थी, वो महात्मा बन गया, उसे पता है कि बाबा बन जाओ तो बाबा ही होता है ना, बाबा तो सबकी सुननी पड़े ना। तो देख लो, यदि आपको बाबा बनना पड़ेगा तो बाबा मत बनिए, बवाल मत बनिए, बाबा बन जाइए, बवाल मत बनिए। साधु बनना है, साधु नामस्य अटल, जिसकी साधना अटल होती है ना, वही साधु होता है। जब हम अपने नियम पर, अपने धर्म पर नहीं डटेंगे, हमने कहा था कि आज कथा 7 बजे शुरू होगी। हमारे कलाकार आज पहला दिन तो 6:30 बजे आ गए थे, पहले आए थे, व्यवस्था नहीं बनी थी, कथा प्रारंभ हुई, हम भी कह देते आज पहला दिन है, कोई बात नहीं 9 बजे कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इस भागवत का नियम है, और नियम बना लोगे तो बहुत कुछ पाओगे। सुबह को हवन होगा, हवन पूजन होगा, हमारे आचार्य जी पूजन कराएंगे, विधि विधान से पूजन होगा, वेद मंत्रों के द्वारा पूजन होगा, और उसके बाद में हवन होगा। हवन के बाद में प्रसाद वितरण होने के बाद में घर जाएंगे सब लोग, फिर शाम को 6 बजे ही इधर लौट के आना है।
आज जो मैं कथा सुना रहा हूं इसी ध्यान से सुनेंगी। जो इंसान कर्मों से मर जाता है उसे जिंदा कौन करता है जानते हैं? साधु। ज्ञान वैराग्य दोनों ने अपने मार बाप की बात नहीं मानी, माताजी की बात नहीं मानी, आज्ञा का पालन नहीं किया, दोनों बेकार हो गए। उन्होंने कहा एक काम करिए ना। क्या? घटते न जरठा न माता न तरणो। जरठा माने वृद्ध अवस्था। जिसकी माँ तरुण हो और बेटा वृद्ध हो जाए तो क्या उन माँ बाप का जीवन सुख में है? हाँ जी। जिसका बेटा चोर बन जाए, जिसका बेटा शराबी बन जाए, जिसका बेटा जोहारी बन जाए तो क्या उसके माँ बाप खुश रह सकते हैं? बोलिए ना। अब आप लोग पांडाल में बैठे हैं तो आपके जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी आज वो देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे देखो भगवान के नाम में बैठे हैं, हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ब्राह्मणों की, कितना आनंद आ रहा है उनकी आत्माओं। और चोर के जो चोर चोरी करने जाता है तो माता पिता हैं, उनके पूर्वज उनको देखते तो हैं मगर क्या कहते होंगे? क्यों जी बोलिए ना। वो कहते होंगे बताइए आज भी हम यहां दुखी हैं और वहां नीचे भी दुखी करे और आज हमारी आत्माओं को भी दुखी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो काम करना था वो कर नहीं रहे। इसीलिए बताया है किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। दर्द औरों का अपनाए, दर्द औरों का अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। दर्द औरों का अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। महात्मा बैठे महाराज और जैसी ज्ञान वैराग्य दोनों वहां पहुंचे तो जानते क्या हुआ? जैसी ज्ञान वैराग्य दोनों पहुंच गए कहां थे? गड़बड़ भैया पकड़ के बैठ जाता रहे, का कर रहे है? ध्यान देना। जब ज्ञान वैराग्य दोनों को स्थापना यानी आसन दे दिया तो सत्संग में जब तक आनंद नहीं आता है, देखा ना जो बज रहा था डीजे कलश यात्रा में, साउंड बज रहा था तो जो नहीं नाचा ना उसने भी ऐसे हाथ कर दिया, एक दुआ किया ना। क्यों? जब आनंद आता है तो ऑटोमेटिक हाथ उठ जाते हैं, उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद उठ जाते हैं। अब वहां जब सत्संग हो रहा है, सत्संग सत्संग जब सत्य का संग होता है तो भाई आनंद जरूर आता है। आज जैसे ही सामरे से हुआ तो आइए आज भक्ति नाच रही है किस तरीका से, सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे और हमको भी बुलाना है, कहना क्या है कि सामरे से मिलने का। कौन जी? हो सामरे से मिलने का सत्संग ही, सत्संग ही बहाना है।
सामरे से मिलने का है कि नहीं जी? इस चौक पे तो सत्संग नहीं होता तो क्या मिल रहे थे हम सब, बताइए, उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है कि आओ चलें सत्संग में, आओ चलें सत्संग में, उन्हें अपना बनाना है। सामरे से आवाज नहीं आ रही, कहां पहुंच गए, नींद आ रही है क्या? आरती करा दूं? अच्छा ये बताइए, अभी तो 9 बजे, आरती करा दूं? एक बार हाथ ऊपर कीजिए जो जो ये चाहने का आरती हो जाए सब के। आइए उठाई दोनों हाथ और क्या कहना है कि सामरे से, सामरे से, सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का, ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ चलें, उठाई दोनों हाथ और आओ चलें, आओ चले सत्संग में, उन्हें 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 अपना बनाना है, आओ चले सत्संग में हम उनको बनाना है, आओ चले सत्संग में, हरि बोल। क्यों बुलाया था तुम्हें? मीरा पुकार रही, आओ मेरे, आओ मेरे, आओ मेरे गिरिधारी, मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरिधारी, क्या करना है? विश्व भरे प्याले का है कन्हैया, विश्व भरे प्याले का तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें अमृत बनाना है, चले सत्संग में हम हरी गुण गाना गए, सामरे से मिलने जय हो, सत्संग ही बहाना है। क्या बात है, कन्हैया को किस किसने बुलाया? तुम्हें द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे, आओ मेरे, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। क्यों जी, जब द्रौपदी बुला सकती है हम तुमको बुलाने में क्या जोर पड़ेगा? उठा लीजिए हाथ दोनों, उठाइए दोनों हाथ, बीच में गड़बड़ हो रही है। हाँ, वो तुम्हें द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी।
बिहारी तुम्हें चीर बढ़ान आहे हे कन्हैया तुम्हें चीर बढ़ान आहे मेरी 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 लाज बचानी है सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है सांवरे से मिलने का और किस किसने बुलाया सबरी तुम्हें सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुर आई तुम्हें सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुर आई हो ध्यान देना सबरी ने भगवान को बुलाया क्यों अरे क्यों बुलाया बताइए ना नहीं पता इसलिए बुलाया कि भगवान आएंगे तो हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी इसीलिए तो बुलाया था बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी को भूख लग रही थी बेर खिलाने के लिए बुलाया अरे किसी के लिए तो बुलाया जैसे आज हमारे जो परिषद बने यजमान उनने कहा गुरु जी आज का भोजन मैं सभी मंडल वालों को अपने घर पर कराऊंगा क्योंकि आज का यजमान मैं हूँ कितनी सुंदर बात है ये बात सीखी है सिखाई है किसी ने अच्छा ऑटोमेटिक आ गई हृदय में अच्छा आई तो वो तुम्हें सबरी वो तुम्हें सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुर आई तुम्हें सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुर आई ओ सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुर आई खट्टे मीठे बेरों में ओए खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है सांवरे से मिलने का बात हुई उस भक्ति ने क्या कहा हो मथुरा में ढूंढा तुम्हें गोकुल में ढूंढा है मथुरा में ढूंढा तुम्हें ये गोकुल में ढूंढा है ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें ये गोकुल में ढूंढा है कि वृंदावन की गलियों में कन्हैया कहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा वृंदावन की गलियों में मेरे ऐसे नहीं होगी लास्ट बारी दोनों हाथ ऊपर करके कि वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है सांवरे से मिलने का हरि बोल
और सभी को कहना है श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे। ऐसे थोड़ी है ऐसे बैठ गए जैसे अस्पताल में आंख बनवाए हुए आते हैं। एक बार हाथ ऊपर कीजिए जो जो आंख बनवाने आया है। बाप रे बाप पूरा पांडा ले आया हो। उठाई दोनों हाथ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 भूली गोविंद भगवान की राधे रानी सरकार की। एक बार प्यार से कह दो राधे मैंने आपको ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई भक्ति की। देखना आज अपने दोनों पुत्रों को छोड़ दिया क्यों इस कथा से क्या मिलता है समझ में आया कुछ नहीं आया नहीं आया मैं समझाऊंगा। यदि आपका बेटा आपकी बेटी 15 16 17 साल 18 साल की होकर की बात मानती है तो आप उसे अपने साथ में रखो। यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं मानती है तो छोड़ दो और नहीं छोड़ोगे तो एक ना एक दिन तुमको छोड़ना पड़ेगा। भक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को समझाया बेटा भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं है इस गॉड के अलावा दुनिया में कोई किसी का नहीं है, है? यदि तुम गॉड को मानोगे तो सब कुछ मिलेगा। आज मां की बात नहीं मानी देखा होगा आपने कभी आज की माताएं कोई भी ये नहीं कहती कि मेरा बेटा महात्मा बन जाए कहती है कोई कौन जी कोई ये कहती है कि मेरा बेटा सिंगर बन जाए मेरा बेटा भगवान का भक्त बन जाए बोली मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए मेरी बेटी आर्मी में लग जाए एयरफोर्स में लग जाए पायलट बन जाए ये सोचोगे तो क्या होगा। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे जाएंगे ना गिरिराज जी अपने हाथों से बना के खाना पड़ेगा वो दिन याद आएंगे। कितनी आशा लगा के लोग बैठते हैं अरे कभी सोचा नहीं सोचा कभी किसी ने ये सोचा कि मैं अपने बेटा को इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा कि जो अपने घर को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं सोचा नहीं सोचा क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे भारत में जो पढ़ाई है ना पढ़ाई सिर्फ नौकर बनने की है। IPS कर ले SI कर लीजिए कुछ भी करे हैं LLB कर ले जज बन जाए रहेगा नौकर क्या रहेगा मालिक नहीं बनता है। क्यों क्योंकि मालिक बनने की पढ़ाई नहीं है सिखाया ही नहीं जाता। अरे तुम्हें नौकर बनना है तो ठाकुर जी का बन के देखो ना लड़के को आपने पढ़ाया बेटी को पढ़ाया पढ़ने के बाद में क्या लाभ मिला नौकरी ध्यान दीजिए नौकरी और नौकरी के बाद में क्या मिला पैसा है ना और पैसा मिलने के बाद में क्या मिला रोटी। ज्यादा पैसा होगा तो 5-star होटल में जाके खा लेंगे कम पैसा होगा तो चटनी से खा लेंगे इतना ही अंतर है। रोटी तो वो भी खा रहा है जो डिवाइडर पे बैठा है और रोटी वो भी खा रहा है जो 5-star में खा रहा है अंतर पैसे का है ना। इस अंतर को निकाल दो
मोदी जी यही कर रहे हैं, मोदी जी यही कर रहे हैं, इसीलिए सबको लगता है, चुभता है ना, सबको समान, इंसान समान में जाएगा, समान में रहेगा तो आनंद जरूर आएगा, और शाम समान नहीं रहेगा ना तो कोई उसके चार कदम घर पे भी नहीं रखता है, रखता है क्या? हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एक बड़ी अच्छी बात है, मुर्दे को उठाने में बड़ी एकता है, मुर्दे को उठाने में बड़ी एकता है, और जो उठ रहा है उसे गिराने में बड़ी एकता है, ये सामने उठ न जाए, इसके पैर काट दो, मिट्टी निकाल दो, गिरा दो, ठोकर मार दो, ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को मां ने छोड़ दिया, कहां पर? हरिद्वार में, और जाके वृंदावन पहुंच गई। आप जब कभी हरिद्वार जाएं, हरिद्वार इधर से जाओगे तो बड़ा मन लगेगा आपका, हरिद्वार जाना है, और गंगा में गोता लगाने के बाद में आप तुरंत कहोगे मुझे घर जाना है, होता है कि नहीं? इधर से सोच के जाएंगे, चार पांच दिन में आएंगे हम, टेंशन नहीं है, हरिद्वार में रहेंगे, पहाड़ियों में घूमेंगे, कहीं जाएंगे, और जैसे ही हर की पैड़ी पे गंगा का स्नान किया, घर की याद आ जाती है, फिर रुका नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि गोविंद में भक्ति है, इधर बैराग है, हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर जितना हिमाचल यानी पहाड़ी एरिया है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्योंकि इधर देवों के देव महादेव का अमरनाथ में गुफा है, वहां समाधि है, वहां भोले बाबा ने अपना आसन लगा के बहुत कुछ तपस्या करी है, इधर पहाड़ी नहीं है, इधर पहाड़ी है, कदराओं में जाकर के देखेंगे, पहाड़ों के बीच में जाकर के देखेंगे ना, तो आपको एक से एक बड़ा संत महात्मा तपस्या करते हुए मिल जाएगा, इधर भक्ति वाले मिलेंगे, वृंदावन में जाके देखना, रिक्शा वाला भी ये नहीं कहेगा ओए हटिए रे ना, राधे राधे, क्या कहेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ राधे राधे। कुर्सी वाले तो ऐसे बैठे जैसे कि कुछ लेने के लिए नहीं आए, जोर से बोलना पड़ेगा राधे, हाँ अब के तो हाथ उठने लगे, चलो पब्लिक तो बहुत है, इधर भी बैठी उधर भी बैठी, तो सोच लीजिए यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात मानती है तो आप उनके साथ रहिए, और आप उनके साथ नहीं रहोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, जा रहे हैं कि नहीं, तो सोचो आज भक्ति ने आके वृंदावन में डेरा लगा दिया, अपना बसेरा कर दिया, जो बाकी बिहारी जाते हैं ना, ध्यान से सुनना, हरिद्वार चले जाते टिकट करा के, अब वृंदावन जाने के लिए लोग विचार करते जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, क्यों? कि जो बिहारी के चरणों में चला जाता है ना, मेरे बाकी बिहारी के चरणों में चला जाता है ना, उसका बन जाता है, और उसका बनने के बाद में फिर मन नहीं करता आने के लिए, क्यों? वो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा ने गिरधर का नाम लिया, और श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा हो मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी बनी थी, क्यों? क्योंकि श्याम का रंग चढ़ गया था, जो श्याम के रंग में रंग जाता है ना, कितनी भी कुछ भी करना वो छिप नहीं सकता, ध्यान देना, तो मीरा बनना पड़ेगा, सात दिन के लिए है, मीरा बनना पड़ेगा, नरसी भक्त बनना पड़ेगा, सेवादार बनना पड़ेगा, तो देख लो ये आपकी आज की कथा, 9:30 बज चुके हैं, कथा का समय 6:15 बजे कोई नहीं आता है, इधर चाहे एक आधा घंटा आगे बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं है, वैसे 6:30 बजे का समय रखिए, है ना, 6:30 बजे शाम को, और हरी इच्छा तक जब तक भक्तों का मन लगेगा जब तक आनंद लेंगे, और कल आपके यहाँ झांकी दिखाई जाएगी शंकर पार्वती की, कल अमर कथा आपको सुनाएंगे, भोले बाबा की अमर कथा सुनाई थी, माता सती युद्ध कर गई थी,
तो भोले बाबा और माता सती आपके यहाँ आएंगे, बहुत सुंदर झांकी कल आपके सामने, और टाइम से आना होगा क्योंकि आज पहला दिन है। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी पर अभी बनी नहीं है, लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि कैमरा वाला ना फिर काले काले दिखाएगा सबको। और भागवत कथा में खाली हाथ नहीं आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते हैं। अपने घर से प्रसाद यानी कुछ भी लेके आए, प्रसाद तो यहाँ बनेगा, जो भी तुम्हारे मन में बताते हैं, बिस्कुट है, बनाना है, मैंगो है, ऑरेंज है, जो भी लाना चाहें वो ला सकते हैं। प्रसाद में यहाँ जब लाएंगे तो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद का मतलब होता है पैसे प्रभु, साते साक्षात और दैसे दर्शन। आप अपने घर में केला ले जाएं एक दर्जन, बच्चा कोई नहीं खाएगा, और एक केला लेके जाना है तो कहना प्रसाद है। क्या है? प्रसाद है। जमीन पे गिर जाएगा ना तो दो तीन बार माथे से लगाया गलती हो गई, कहता है कि नहीं है तो बनाना। तो सोच लीजिए कल से टाइम से आना है, बहुत सुंदर झांकी आप यहाँ आएगी कल, और बहुत सुंदर लीला रहेगी भगवान की। एक भजन होगा हमारे महाशय जी का, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, और सभी को खड़ा हो जाना है उस भजन पर, और नाचना है, झूमना है, यानी क्या करना है, हाजिरी लगानी है, क्योंकि मेरा काना जो रीझता है वो कीर्तन पर रीझता है। किस पर? हेलो, तो सुना रहे हैं, और आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। परीक्षा जी महाराज आप खड़े हो जाइए, पहले आपसे तो बहुत काम है, दोनों खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, उत्तिष्ठ। जागूगी वृंदावन, जागूगी सखी वृंदावन, जागूगी बजपुरनी तीर सचिवल गावन जाऊगी, बजे मुरली अपना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सूरत की दी पानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दी पानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। फिर कैसे कैसे अरे कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगी। डारी लगे गिरधर से मैं तो
पागल कर डारी मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन पर से नीर सखी बल गावन जाऊंगी बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी तेरी याद में दुनिया से ओ, दुनिया ओ, से ओ, दुनिया से हुआ अखीर सखीवर गावन जाऊंगी हरे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी तोड़ दिए कैसे कोई कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी कब जाऊंगी बज मुरली यमुना तीर सखी कब जाऊंगी बज मुरली यमुना तीर सखी कब जाऊंगी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बोली गोविंद भगवान जय। अभी तो आ तो टेलर टेलर है फिल्म तो बाकी पड़ी है ना क्या बात है कहते ही असर तो होगा पर धीरे धीरे होगा आई आरती के लिए कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं काना तुम्हीं को मनाऊं आरती गाऊं काना तुम्हीं को मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं श्यामो तुम्हें को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं तेरी बाक बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे प्यारी बंसी काना मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया काना मेरो मन मोहे या सब पे मैं बले बले जाऊं तेरी बात
से बिहारी तेरी आरती गाओ। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों शरद गाऊं श्यामो तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी बाट बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुलज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कानन कुंडल काना अधिक विशाला, कानन कुंडल काना अधिक विशाला, गल सोहे तेरे बेजंती माला, गल सोहे तेरे बेजंती माला, उन्हें चरणों में बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, जन्म में वृंदावन का पाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, भैया तो रोज बनाऊं, बजवारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर कारम करुणा बतारम संसार सारम भुज के दहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवन भवानी चैतन्य भवानी, तमेव माता जगदा तमेव, तमेव वल्लो जसका तमेव, तमेव विद्याद ब्रह्म तमेव, तमेव सर्व बोली श्रीमद भागवत महाप्राण की जय हो, धर्म की जय हो। कार्तिक जी आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे, आ करके भोग लगा जाना, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे, आ करके भोग लगा था पर शादी रे, आ करके भोग लगा जाना, रहो रुच भोग लगाए, त्रियो धन की मेवा त्यागी साग बिदुरे घर खाए, प्रभु ने साग बिदुरे घर खाए, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा बना रखा परसाद।
प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा पर साद रे आकर से भोग लगा प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना श्रीमद् भागवत महापुराण की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो संत समाज की जय हो विप्र समाज की जय हो स्थान देवता की जय हो अपने अपने माता